हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ इज वेल्थ में। मैं आज फिर एक प्रोडक्ट लेकर, उसका नाम है बायोजेसिक एपी सिरप। तो दोस्तों, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो नीचे देखिएगा रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे एक बार आप लोग क्लिक कर लेंगे ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और वहीं पर एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आप लोग दबा लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। और दोस्तों, चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कर ले, क्योंकि मेरा हर रोज एक नया वीडियो आता है जो कि हेल्थ से रिलेटेड रहता है, जो कि सभी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के पूरे अंत तक बने रहेंगे बिना स्किप किए तक आपको पूरी जानकारी मिलेगी बिना कुछ छूटे हुए। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। यह दोस्तों बायोजेसिक एपी सस्पेंशन है, जो कि यह देख सकते हैं इसका MRP 66 रुपये, यानी कि 66 रुपये इसका MRP है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। यह दोस्तों ऑरेंज फ्लेवर में आता है, जो कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आसानी से बच्चे लोग इसे ले सकते हैं। यह दोस्तों 60 ml के पैक में आता है, जो कि इस तरह का रहता है, देख सकते हैं आप लोग। ये प्लास्टिक के बोतल में रहता है, गिरने के बाद फूटने का कोई चांस नहीं रहता है इसमें, ठीक है। और इसका कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका कंपोजिशन होता है एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल, जो कि देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यह दोस्तों इसका जो होता है बायोकेम, देख सकते हैं यहाँ पे इसका लोगो लगा हुआ है। और यह दोस्तों बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो कि किन किन चीज़ों में काम करते हैं, यानी कि इसका बेनिफिट क्या है और इसका डोजेस क्या है, वो हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है कि बच्चों के अगर फीवर हो चुका है, बुखार में आप दे सकते हैं, अगर बुखार है तो। उसके बाद सर दर्द में दे सकते हैं, बदन दर्द में दे सकते हैं, दांत दर्द में दे सकते हैं, कान दर्द में दे सकते हैं, हाथ दर्द हो या पैर दर्द हो या जोरों का दर्द हो। उसके बाद हाई फीवर किसी किसी बच्चे को हो जाता है, उसमें भी दे सकते हैं। उसके बाद सूजन में दे सकते हैं, या तो इंजेक्शन लगा हो बच्चे को, अगर इंजेक्शन के कारण दर्द हो रहा है उसमें भी आप इसे दे सकते हैं। उसके बाद चोट का दर्द हो, या तो नसों का दर्द हो, या तो फुंसी फोड़ों का दर्द हो, ठीक है, या तो मांसपेशियों का दर्द हो, या तो कटे फटे का दर्द हो, उसके बाद मोच का दर्द हो, ये किसी भी प्रकार का कोई भी बॉडी पेन अगर होता है कहीं पे भी, तो उस कंडीशन में आप इसे दे सकते हैं। उसके बाद बुखार में भी ये बहुत ही अच्छा काम करने वाला है, ये सस्पेंशन है, ठीक है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। और इसका फ्लेवर जो है कि बहुत ही अच्छा है, ऑरेंज फ्लेवर, जो कि बच्चे आसानी से इसे ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी डोजेस की अगर हम लोग बात करें तो वो डोजेस जो दोस्तों होता है वो आपके बच्चे का वेट के अनुसार इसका जैसे कि डोज बनता है, ठीक है, और सिम्टम के अनुसार इसका डोज बनता है। इसमें देख सकते हैं आपको एसिक्लोफेनिक इसमें 50 mg और पैरासीटामोल 125 mg, यानी कि 125 mg इसमें पैरासीटामोल है और 50 mg इसमें जो होता है कि एसिक्लोफेनिक है, जो कि 5 ml में एक चम्मच में आता है उतना, ठीक है। और दोस्तों, इसका साइड इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसका साइड इफेक्ट होता है इसको लेने से शरीर में पूरा दाना हो सकता है, चकत्ता हो सकता है, इचिंग वगैरह हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है। यह दोस्तों इसका साइड इफेक्ट है। इसके अलावा कुछ दूसरा अगर आपको कुछ साइड इफेक्ट दिखता है तो उस कंडीशन में इसे आप तुरंत बंद कर देंगे और अपने आसपास के डॉक्टर से जाकर तुरंत मिल लेंगे, ठीक है। और दोस्तों, इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए या तो हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर देखिएगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके सलाह ले सकते हैं। अगर किन्हीं को एडवर्टाइजमेंट करवाना होगा तो स्पॉन्सरशिप के लिए कॉन्टैक्ट करना होगा, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी मिली तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।